हाय गाइस, कैसे हैं आप? तो गाइस, आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अब तक का, हाउ टू मेंटेन आईफोन बैटरी हेल्थ लॉन्ग लास्टिंग। आप अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ कैसे मेंटेन रख सकते हैं लंबे समय के लिए। तो चलिए देर किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको गाइस ये दिखा दूं, मेरे पास है इस टाइम आईफोन 7 और ये अराउंड 2 ईयर्स ओल्ड है और इसकी बैटरी हेल्थ देखिए अभी भी 91% है। और ये मैं कैसे लॉन्ग लास्टिंग मेंटेन की हुई है मैं वो भी बता देता हूं आपको। ये मैंने इतना फोन रफ यूज किया है फिर भी देखिए मेरी 91% बैटरी हेल्थ है इस फोन की। और सेकंड है आईफोन 12 प्रो, अब ये भी अराउंड मेरा 6 मंथ ओल्ड है। कई लोग क्या करते हैं, अपने फोन आप उन्होंने मार्केट से परचेज किए होते हैं जिनकी बैटरी हेल्थ ज्यादा है तो वो वीडियो में ये शो कर देते हैं कि आपकी बैटरी हेल्थ देखिए मेंटेन कैसे की हुई है हमने। बट मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा। ये देखिए, अब ये 12 प्रो है, ये अराउंड मेरा 6 मंथ ओल्ड फोन है। और आपकी नॉलेज के लिए मैं दिखा दूं, इसमें मेरे दोनों नंबर चलते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको दिखा देता हूं इसकी बैटरी हेल्थ कितनी है। ये देखिए, सबसे पहले तो इस फोन की आप वारंटी देखिए, अभी अंडर वारंटी में है, 4/1/2022 को इसकी वारंटी खत्म होनी है, इट मींस ये 6 मंथ ओल्ड हो चुका है। सेकंड थिंग, अब मैं आपको इसकी बैटरी हेल्थ दिखाऊं कितनी है। इस फोन की अभी भी बैटरी हेल्थ 100% है। तो ये देखिए, अब ये कैसे पॉसिबल है अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा आप वो यूज करके तो देखिए, आप खुद यकीन हो जाएगा आपको कि मैं खुद कैसे अपने फोन की बैटरी हेल्थ 100% रख सकता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले आपको यह समझना होगा ये बैटरी साइकिल क्या है। अकॉर्डिंग टू एप्पल, जब आप अपने फोन को 0 से लेकर 100% तक चार्ज करते हैं तो वो इसका एक साइकिल माना जाता है। ऐसे ही अगर आप अपने फोन को 500 टाइम्स चार्ज करेंगे 0 से लेकर 100% तक तो उसके 500 साइकिल काउंट होंगे। और जब आपके 500 साइकिल काउंट हो जाएंगे तो आपके फोन की बैटरी ऑटोमेटिक 80% पे आ जानी चाहिए जो उसकी हेल्थ है। और जब वो फोन की आपकी बैटरी हेल्थ 80% पे आ जाएगी तो ये साइन आ जाएगा, ये देखिए ये मैसेज आ जाएगा एप्पल की तरफ से, योर बैटरी हेल्थ इज सिग्निफिकेंट डिग्रेडेड एंड एप्पल ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर कैन रिप्लेस द बैटरी टू रिस्टोर फुल परफॉर्मेंस एंड कैपेसिटी। अगर तो आपका फोन 1 ईयर की वारंटी में है तो एप्पल इसे फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज कर देगा आपकी बैटरी। अगर आपके फोन को 1 ईयर से ऊपर हो चुके हैं तो जो भी आपके फोन के रिप्लेसमेंट चार्जेस होंगे वो देने पड़ेंगे, आपकी बैटरी रिप्लेस हो जाएगी। अब कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर हम अपने फोन को 100% चार्ज ही ना करें, उसे हम 50 तक ही रखें तो बैटरी साइकिल काउंट ही नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे लेके आ रहा हूं आप अपने फोन की बैटरी काउंट कैसे चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूं आप अपने फोन की बैटरी हेल्थ कैसे मेंटेन रख सकते हैं। जो टिप्स मैं अपना रहा हूं आप भी उसे अपना के देखिए, मैं डेफिनेटली श्योर हूं आपके फोन की बैटरी हेल्थ इतनी जल्दी डिग्रेड नहीं होगी। तो चलिए देर किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला टिप्स दोस्तों ये है, अगर आपका फोन डार्क मोड में है तो वेल एंड गुड है, ट्राई कीजिए अपने फोन को डार्क मोड में रखना। अगर आप इसको व्हाइट मोड में रख देते हैं फोन को तो इससे क्या होता है, आपकी डिस्प्ले की ब्राइटनेस बढ़ जाती है और जब ब्राइटनेस बढ़ती है तो बैटरी भी ड्रेन होगी और जब बैटरी ड्रेन होगी तो डे बाय डे आपकी बैटरी हेल्थ पे भी इसका फर्क पड़ेगा। तो आप अवॉइड कीजिए अपने फोन को व्हाइट मोड में रखना, आप इसको डार्क मोड में रखें जो आपके लिए बेनिफिट होगा और लॉन्ग लास्टिंग आपकी बैटरी हेल्थ भी बनी रहेगी। तो ये तो था हमारा पहला टिप्स दोस्तों। सेकंड टिप्स मेरी ये है, कभी भी आपका फोन अगर चार्जिंग पे लगा हुआ है, जैसे कईयों को आदत होती है फोन चार्जिंग पे लगा देते हैं, चार्जिंग पे लगाने के साथ साथ अब जैसे चार्जिंग शुरू हो गई है मेरी, साथ साथ वो गेमिंग प्ले करने लग जाएंगे या कुछ और एक्टिविटी करने लग जाएंगे, जैसे सॉन्ग्स लिसन कर लिए या कुछ भी। आपको मैं चीज बता दूं, आपके आईफोन जब हीट अप होता है और हीट आईफोन की दुश्मन है बैटरी हेल्थ की, तो आप अवॉइड कीजिए अपने फोन को, जब भी आपका फोन चार्जिंग पे हो तो
तो प्लीज अवॉइड कीजिए, कुछ भी एक्टिविटी ना करें, अपने फोन को साइड में रख दें और उसे चार्ज होने दें, क्योंकि जितना आप अपने फोन को कूल रखेंगे उसकी उतनी ज्यादा बैटरी हेल्थ मेंटेन रहेगी। तो प्लीज आप अवॉइड कीजिए, जब भी आपका फोन चार्जिंग पे लगा हो आप कुछ भी एक्टिविटी ना करें और उसे चार्ज होने दें, इससे आपका लॉन्ग टर्म आपकी बैटरी हेल्थ बनी रहेगी। अगर आपको ज्यादा इमरजेंसी है तो आप कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो प्लीज आप अपने फोन को चार्जिंग पे लगा रहने दें और चार्ज होने दें। दोस्तों थर्ड टिप्स मेरी ये है, अकॉर्डिंग टू एप्पल आपके फोन की बैटरी जो है ये एम्बिएंट मानी गई है 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस जो इसका टेम्परेचर है वो एम्बिएंट माना गया है। इट मींस उस टेम्परेचर पे आपकी बैटरी हेल्थ मेंटेन रहेगी लॉन्ग लास्टिंग। बट आपको ही पता है इंडिया में यहाँ पर टेम्परेचर 45 डिग्री क्रॉस हो जाता है इन समर्स, तो ऑलमोस्ट ये डबल है एप्पल के अकॉर्डिंग। तो आपका फोन हीटअप भी होता है जब आप बाहर जाएंगे, डायरेक्ट सनलाइट्स आती हैं और आप अगर वर्किंग कर रहे हैं सनलाइट्स में तो आपको ही पता है आपका फोन जब हीटअप होगा तो बैटरी ड्रेन होने लग जाती है। तो बैटरी ड्रेन होती है कुछ टाइम के बाद, इसका इम्पैक्ट आपकी बैटरी की हेल्थ पे भी पड़ता है। तो आप प्लीज़ अवॉइड कीजिए, अगर आपका फ़ोन इवन हार्ड केसेस में भी है और आप सीधा डायरेक्ट चार्जिंग पे लगा देते हैं तो आपको ही पता है वैसे भी जब आप चार्जिंग पे लगाते हैं फ़ोन आपका हीटअप तो होता है थोड़ा सा, बट अगर आपका फ़ोन हार्ड केस में रखा हुआ है तो उसकी हीट बाहर पास आउट नहीं हो पाती, तो उससे और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इसकी बैटरी हेल्थ पे। तो प्लीज़ आप वो भी अवॉइड कीजिए, जब भी आपका फ़ोन चार्जिंग पे लगा होता है तो आप प्लीज़ केस को रिमूव कर दें उस टाइम के लिए, उसके बाद आप बेशक केस अप्लाई कर लें, बट छोटा सा मेरा ये सजेशन है उस केस में आप केस को रिमूव कीजिए जब आपका फ़ोन चार्जिंग पे लगा हो तो। और प्लीज़ अवॉइड कीजिए अपने फ़ोन को ज़्यादा हीटअप होने से, क्योंकि हीट तो आईफोन की दुश्मन है। जितना ज़्यादा आपका फ़ोन हीटअप होगा उतना ज़्यादा आपके फ़ोन की बैटरी भी ड्रेन होगी और कुछ टाइम के बाद आपकी बैटरी हेल्थ भी डाउन हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं फोर्थ टिप्स की हमारे। फोर्थ टिप्स ऐसा है, आप कई लोगों में आदत है जो फ़ोन को रात को चार्जिंग पे लगा के सो जाते हैं और अर्ली मॉर्निंग जब उठते हैं फ़ोन 100% हुआ होता है, तो आप प्लीज़ आप ऐसा ना करें। आपने देखा होगा एप्पल ने ये फीचर तो जरूर दिया है ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग, बट ये कई बार वर्क करता है कई बार नहीं करता। इसका ये मोटिव है जब भी आपका फ़ोन 100% पे हो जाए तो ये चार्जिंग को रोक देता है, और जब भी आपका फ़ोन ऑटोमेटिक 80% पे आ जाए या 5-10% नीचे भी बैटरी गिरती है तो ये ऑटोमेटिक उसकी चार्जिंग को बढ़ा देता है और 100% पे कर देता है। बट ये कुछ देखा गया कुछ ही टाइम ये वर्क करता है बट अदरवाइज नहीं करता। तो आपको ही पता है कभी भी आप कोई चीज़ को एक्सेस में चार्ज कर देंगे ओवर चार्ज हो जाती है वो चीज़, और उसका थोड़े टाइम के बाद आपके फ़ोन की बैटरी पे इम्पैक्ट तो पड़ता है। तो प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए अपने फ़ोन को एक्सेस चार्ज होने से। और हाँ, जब भी आपका फ़ोन 0% पे आए तो बिल्कुल भी उसे 0% पे ना आने दें, अवॉइड कीजिए। आपका फ़ोन जब भी 20% पे हो तो उसे चार्जिंग पे लगा दें, और जब भी आपका फ़ोन 80% या उससे अबव आ जाए तो उसे चार्जिंग से हटा दें। ट्राई कीजिए आपके फ़ोन का 100% बैटरी चार्ज ना होने पाए, 80 से लेकर 90 या 95% भी हो जाए उसे चार्जिंग से उतार लें, 100% ना होने दें उसे। और 20% से जैसे ही नीचे आता है आपका फ़ोन उसे सडनली चार्जिंग पे लगा दें, बिल्कुल भी 0% पे उसे चार्ज ना होने दें, क्योंकि जब भी आप 0% से चार्जिंग पे लगाते हैं एक बैटरी को झटका लगता है सडनली, तो झटका लगता है उसको चार्ज होने में, तो उसका आपके बैटरी हेल्थ पे बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी बैटरी हेल्थ भी डिक्रीज हो जाती है कुछ टाइम के बाद। दोस्तों बात करते हैं हमारे फिफ्थ टिप की। फिफ्थ टिप मेरा ये है, आप महीने में कम से कम एक बार अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट जरूर कर लें। हार्ड रीसेट कैसे होता है आपका आईफोन, मैंने ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं इसका लिंक मैंने अपलोड कर दिया है और मेरी डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप उस वीडियो को देख लें हार्ड रीसेट कैसे होता है। हार्ड रीसेट करने से जो भी आपके फ़ोन में कुकीज़ आई होती हैं सफारी से या थर्ड पार्टी ऐप से जो आई होती हैं, जंक फाइल होती हैं, या आपका फ़ोन कई बार फ्रीजिंग इशू दे रहा होता है, हैंगिंग दे रहा होता है, या कई बार हीटअप भी होने लग जाता है ऑटोमेटिक, तो हार्ड रीसेट करने से ये सारी की सारी प्रॉब्लम सारे के सारे इशू सॉल्व हो जाते हैं और आपका फ़ोन क्लीनर लुक में आ जाता है, इससे आपका डाटा कुछ भी लॉस नहीं होता। तो प्लीज़ आप मंथ में एक बार फ़ोन को हार्ड रीसेट जरूर कर लें। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और यूजफुल टिप्स की।
कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा अपने फोन को वायरलेस चार्जर के साथ ही चार्ज करते रहते हैं, और उनका मानना यह है कि वायरलेस चार्जर के साथ फोन हमेशा जल्दी चार्ज होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वायरलेस चार्जर के साथ कभी भी आपका फोन जल्दी चार्ज नहीं होता, वो हमेशा लेट ही चार्ज होता है। और आपने एक और चीज नोट की होगी, जब भी आप अपने फोन को वायरलेस चार्जर के साथ चार्ज करेंगे आपका फोन हीट अप जरूर होगा, और हीट तो आईफोन की दुश्मन है। कुछ टाइम के बाद आप खुद भी नोट कर लेना, आपके फोन की बैटरी हेल्थ जरूर गिरेगी। तो प्लीज आप इतना ज्यादा भी अपने फोन को वायरलेस चार्जर के साथ चार्ज ना किया करें। और एट दी लास्ट गाइस, शायद आप भी मेरे साथ इस बात पे सहमत होंगे, जो एप्पल की ओरिजिनल डाटा केबल आती है, ये कई लोगों की ऐसी कंप्लेंट है, ये विद इन मंथ या टू मंथ्स के अंदर कभी यहाँ से क्रैक हो जाती है, कभी यहाँ से। और एप्पल इस चीज़ को वारंटी में काउंट नहीं करता, क्योंकि ये फिजिकल डैमेज माना जाता है। और अगर मैं इसकी ओरिजिनल कॉस्टिंग की बात करूँ, ये अराउंड 1500 रुपीज़ की है। तो उस केस में क्या होता है, कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो मार्केट से डुप्लीकेट डाटा केबल बाय कर लेते हैं, जो अराउंड 100 रुपीज़ की मार्केट में मिलनी स्टार्ट हो जाती है। तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बता दूँ, ये जो डुप्लीकेट डाटा केबल है, ये आपके फ़ोन को कभी भी वैसे चार्ज नहीं कर पाती जैसे आपकी ओरिजिनल डाटा केबल चार्ज करती है। और इसका थोड़े टाइम के बाद आपकी बैटरी हेल्थ पे जरूर इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी बैटरी जरूर डिक्रीज होती है। तो प्लीज़ गाइस, आप इस चीज़ को अवॉइड करें। हाँ, अगर आपने मार्केट से कुछ बाय करनी है डाटा केबल, तो एप्पल ने कुछ ऐसे ब्रांड है जिनको MFI सर्टिफाइड किया है, उनकी डाटा केबल आप बाय कर सकते हैं। वो ओरिजिनल के अकॉर्डिंग जरूर चीप हैं, वो 300 अराउंड 400 रुपीस की आनी स्टार्ट हो जाती हैं, और वो बिल्कुल ही वैसे चार्ज करती हैं आपके फ़ोन को जैसे ओरिजिनल डाटा केबल चार्ज करती हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप वो डाटा केबल बाय करना चाहते हैं बाय कर सकते हैं। तो आई होप गाइस, आपको आज का मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।